बोले थे हम लोग किसी भी तरह रोक देंगे तुम्हारे हवन में, हड्डियां डाल देंगे चिकन वगैरह। लेफ्ट JNU के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अब ठान चुके हैं कि इसी रामनवमी हो या दुर्गा पूजा हो, JNU कैंपस में पूजा इसी तरह से होगा। प्रसाद लेके लोग जैसे निकल रहे थे तुरंत उनके लोगों को मारा जाने लगा। जो भी लड्डू हाथ में लेके जा रहा उसको मार रहे हैं, कोई झंडा हाथ में लेके जा रहा उसको मारा जा रहा, वहाँ पे झंडे थे उनको तोड़ दिया गया। नमस्कार, मैं वानी आनंद और आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। अभी हम मौजूद हैं JNU में और JNU के कुछ छात्रों के साथ में, कावेरी हॉस्टल के ये छात्र हैं। आइए इनसे जानते हैं और बातचीत करते हैं कि अभी का हाल ही का जो मुद्दा है वो जो कावेरी हॉस्टल का बड़ा ही हाइप में बना हुआ है। नवरात्र और रमज़ान एक साथ ही चल रहे थे, इफ्तारी भी चल रही थी हॉस्टल में बहुत अच्छे तरीके से, और वहीं नवरात्र का जो है बहुत अच्छा सा प्रोग्राम भी चल रहा था, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, हालात कुछ ऐसे बिगड़ जाते हैं जो कि रॉड्स, ट्यूबलाइट, पथराव, उससे भी आगे की बातचीत हो जाती है। चले छात्रों से ही जानते हैं कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे। जी मैं आपका नाम जानना चाहूंगी पहले। मैं प्रफुल कुमार। प्रफुल जी, आप कावेरी हॉस्टल के छात्र हैं और कौन से कोर्स कर रहे हैं आप यहाँ से, पहले उस बारे में बताएं। मैं कावेरी का ही रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ थर्ड ईयर कोरियन मतलब स्कूल ऑफ लैंग्वेज का स्टूडेंट हूँ जी। और उस पूजा आयोजन में हम लोग सब वहीं पे थे और जैसे हम लोग एक सप्ताह पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि पूजा करना है, उसकी तैयारी कर रहे थे जी। तो जब हम लोगों ने पोस्टर रिलीज किया वो लोग उसी समय से आईसा वाले या कहें कि आप लोग वो जो नहीं इसको पसंद कर रहे थे वो लोग उसी टाइम से धमकी देना शुरू कर देते कि किसी भी हाल में पूजा नहीं होने देंगे। पर हम लोग फिर भी तैयारी कर रहे थे कि पूजा तो करनी है, फिर बोल रहे थे कैसे भी रोकेंगे तुम लोग को, पर्सनल टारगेट करके पीटेंगे तुम लोग यहाँ अकेले हॉस्टल में। हम लोग बस कुछ ही छात्र जो यहाँ दिख रहे हैं यही इस हॉस्टल में रहते हैं, बाकी सारे वही आईसा के एक्टिविस्ट हों या SFI के हों। लगभग कितने छात्र होंगे कावेरी हॉस्टल में, कितने बॉयज होंगे, मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा। लगभग 300 के आसपास हैं स्टूडेंट। 300, तो 300 में से ABVP के कितने हैं? ABVP के नॉट मोर देन 20 और 30। ओके, नॉट मोर देन 20-30। उनमें से अभी हमारे साथ ये 4-5 लोग हैं और यही हम इन लोगों से जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या था, उनका इंटेंशन क्या था और उनका एजेंडा क्या था। जी हमें और थोड़ा विस्तार से बताएं प्रफुल। उनका मेन मकसद था कि किसी भी तरह से रामनवमी पूजा होने नहीं देना, इसको बदनाम कर देना। इसके लिए वो लोग पहले से प्लानिंग, जिस दिन से हम लोग पूजा करने की प्लानिंग कर रहे थे सेम डे से वो लोग पूजा रोकने की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब शुरू से, मतलब नवरात्र के पहले दिन से ही उनकी प्लानिंग चालू हो गई। बोले थे हम लोग किसी भी तरह रोक देंगे तुम्हारे हवन में, हड्डियां डाल देंगे चिकन वगैरह। लेफ्ट वाले रोक टोक कर रहे थे पूजा के लिए। हाँ बिल्कुल, और उस दिन भी यही हुआ। हम लोग का पूजा का टाइमिंग था वो 3:30 से था, हम लोग पोस्टर रिलीज किए थे उसमें टाइमिंग भी लिखा हुआ है, पर वो लोग उस समय से आके रोकना शुरू कर दिए थे उसी टाइम से। फिर उसी बीच में वेंडर भी आया चिकन वाला, उसको उन्हीं लोगों ने भगा भी दिया। और फिर हम लोगों को किसी तरह डिले करके ना किसी बाहर वाले को आने दे रहे, क्योंकि ये कॉमन स्टूडेंट का पूजा था और JNU में मतलब JNU में जो भी इसमें इंटरेस्टेड थे सब आ रहे थे। हॉस्टल के सारे छात्र नवरात्र की पूजा के लिए एग्री थे? हाँ सारे एग्री थे, इसीलिए तो सारे आ रहे थे। बस वो कुछ जो बोले आप एंटी नेशनल या असामाजिक तत्व हैं वही रेडी नहीं थे, और वो लोग जो रेडी थे उनको आने भी नहीं दे रहे थे। इस वजह से हमारा पूजा लेट भी हो गया, 3 से स्टार्ट होना था पर 5:30 से हमारा पूजा स्टार्ट हुआ। और जब हमारा पूजा शुरू हो गया किसी तरह से, लोग काफ़ी जुट गए तो लोग उस समय थोड़ा शांत रह गए क्योंकि काफ़ी लोग आ गए थे, ये कॉमन पूजा था तो JNU से सारे आ गए थे। तो जैसे ही पूजा ख़त्म हुआ फिर सारे गए वही 8। कितने टाइम बजे, मतलब 11 तारीख की बात है, 10 तारीख की बात है, रामनवमी 10 तारीख की थी, ठीक है। तो 10 तारीख को ये सुबह के वक्त की जो मतलब वो लोग कितने बजे आते हैं वहाँ पर, वो लेफ्ट वाले लोग? जैसे 3 बजे से पूजा स्टार्ट था तो वो लोग वहाँ से 2:30 बजे से ही वहाँ पे खड़े थे कि पूजा होने नहीं देना है, तो इसी में डिले हुआ, 5 बजे शुरू हुआ और 8 बजे तक हम लोग का हवन बस कम्प्लीट हुआ ही था कि वो लोग फिर से, जब लोग आधे से ज़्यादा चले गए जो बाहर के थे, बस जो हम लोग कावेरी के बचे थे वो कम थे, बस उसी समय से वो लोग डिस्टर्ब करना शुरू कर दिए। हम लोग फिर मेस में खाने गए तो वहाँ शुरुआत कैसे की उन लोगों ने? पहले तो मेस में जब हम लोग खाने आए तो खाने नहीं दिया, वहाँ वहीं से शुरू कर दिया कि तुम लोग चिकन क्यों नहीं बनने दिए, क्योंकि हम लेकिन हम लोगों ने कभी चिकन पे विरोध किया ही नहीं था। रोक टोक किया था क्या आप लोगों ने कि चिकन, क्योंकि ऐसे भी सूत्रों से
बातचीत सामने आई है कि चिकन पे भी रोक टोक था कि रामनवमी के टाइम नवरात्र के टाइम चिकन नहीं बनेगा, ऐसी बातें आई हैं सूत्रों से? नहीं, हम लोगों ने तो कभी चिकन रोका ही नहीं। देखिए, जहाँ भी हमारे संगठन के लोग या हमारे विचारधारा वाले लोग जो भी मेस चला रहे हैं, जैसे मेस का जो खाना डिसाइड करता है वो मेस कमेटी होता है, और इस मेस कमेटी में हमारे एक भी लोग नहीं है। और जहाँ भी हमारे लोग हैं, जैसे माई मांडवी में रवि राज है और सिपरा में एक दीदी है, तो हाँ नैन्सी दी है, तो जहाँ भी हमारे लोग हैं वो कहीं कहीं हर जगह पे चिकन बना है, कहीं रोका नहीं गया। लेकिन यहाँ सारे उनके लोग हैं, फिर भी वो बोल रहे हैं रोक दिया गया। यहाँ तो मेस कमेटी जो कि डिसाइड करती, तो वो बस एक प्रोपेगेंडा था कि आप लोगों ने चिकन रोका, हम लोगों ने नहीं रोका, उन लोगों ने ही रोका एक एजेंडा के तहत कि कुछ बनाया जाए बोलने के लिए कि इस वजह से लड़ाई हुई। पर एक्चुअली उन लोग रामनवमी को रोकना चाहते थे, रामनवमी को रोकना चाहते थे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो हालात इतने बिगड़े हैं और इतना क्या क्या चीज़ों से अटैक किया गया है और कहाँ कहाँ चोट वगैरह भी आई है, काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने सुना है, तो क्या क्या हुआ था ये बताएं? वो लोग बैग में पत्थर भर के लाए थे, फिर वो जो ट्यूब वगैरह रखा रहता है ख़राब हो जाता है, उससे पत्थरों से लाठी डंडे से मतलब जो भी उनके हाथ में आ रहा था सबसे, और सबको चोट लगी है। हमारे शैतान सिंह है, आपको कहाँ कहाँ चोट आई है जरा? यहाँ लगा है, इधर लगा है, ये हाथ पे आपके जो घाव दिख रहा है ये, अच्छा ये चोट है, फिर यहाँ किसी ने, ये किसी धारीदार चीज से लग रहा है, हथियार यूज किया है उन्होंने, इधर भी लगा है नाखून वाखून सब लगाए थे, ये पूरा नाखून वगैरह, अच्छा, और पत्थर भी मार रहे थे, पत्थर भी लगी है पीठ पे, और रॉड वगैरह, फिर ट्यूबलाइट, हर चीज से मारा है, यहाँ पे लगा है पत्थर। और मैम जैसे जी, आप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी यहाँ पर चोट आई है एबीवीपी को, कितना नुकसान हुआ है इस एजेंडा बोले या क्या बोले जो इन्होंने यूज किया है, कौन सा कार्ड यूज किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो इन लोगों का जो मेन मकसद था कि रामनवमी पूजा होने नहीं देना है, तो जैसा कि सबको ज्ञात है कि 1969 में JNU बना था और 52-53 साल में ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि रामनवमी पूजा का आयोजन किया जा रहा था। और जो वामपंथी दल है वो हमेशा से महिषासुर दिवस मनाते रहे हैं, वो दुर्गा जी को गलत शब्दों का प्रयोग हमेशा से करते आए, तो उनको इस ये मतलब रिलीजियस सेंटीमेंट्स को उन्होंने हर्ट किया है, ये कहना चाहते हैं आप? क्या नाम है आपका, नाम जानना? मेरा नाम आदर्श कुमार झा। आदर्श, मुझे ये बताएं कि रिलीजियस को ही क्यों इन्होंने टारगेट किया हुआ है लेफ्ट वालों ने, और क्यों ऐसे जो हार्म पहुंचाया है एबीवीपी को ही क्यों किया, क्योंकि वो रामनवमी इतने इंटरेस्ट के साथ कर रहे थे इसीलिए? मैम नहीं, मैम एबीवीपी रामनवमी नहीं कर रही थी, रामनवमी होस्ट कावेरी छात्रावास के आम छात्र कर रहे थे, सभी इन्वॉल्व थे पूरा। यस मैम, कावेरी छात्रावास के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, और जो कंट्रीब्यूशन हुआ था उसमें आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मुस्लिम छात्रों ने भी कंट्रीब्यूशन किया था। तो ये एक सोशल हार्मोनी का मैसेज जा रहा था कि एक तरफ इफ्तार पार्टी चल रही थी, दूसरी तरफ मतलब हमारी रामनवमी की यज्ञ चल रही थी। इंसानियत सबसे ऊपर है, धर्म में इंसानियत सबसे ऊपर है, और ये जो बुक्स हैं, ये किताबें जो हैं, कुरान भगवत गीता, ये बहुत बाद की चीज़ें हैं, पहले इंसानियत है। और अगर जब इफ्तार भी इतने अच्छे से हो रहा था और ये नवरात्र का भी इतना अच्छे से चल रहा था, तो ये सब चीज़ें होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए थी, बट फिर भी हुआ और नुकसान भी काफ़ी छात्रों को हुआ है। और उन लोगों ने पूजा रोकने के लिए एक दिन पहले, जैसा कि आप देख सकते हैं, कि वार्डन के नाम से एक फेक नोटिस निकाल लिया गया निकाला, जबकि वार्डन का जब भी कोई नोटिस निकलता है तो एक प्रॉपर उनका फॉर्मेट होता है कि स्टैम्प के साथ, आप देख सकते हैं, ना ही कहीं वार्डन का साइन है, प्रॉपर लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है, और कुछ ज्यादा ना स्टैम्प है कहीं, ना वार्डन का साइन है। और दूसरा ये आप देख सकते हैं, पूजा का पोस्टर है, पोस्टर में कहीं भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नाम नहीं है, ये कावेरी छात्रावास के आम छात्रों ने ये पोस्टर निकाला था। और इसमें पूजा का समय भी देखिए 3:30 है, लेकिन पहले तो जैसे ही उन्हें पूजा पता चला कि पूजा होने वाला है, तो वो लोग सुबह से ही आके वार्डन को धमका रहे थे कि आप कैसे पूजा होने दे रहे हैं ये वो। और उसके बाद जहां पूजा 3:30 शुरू होने थी, उन लोगों ने विलम्ब कराते कराते पूजा को 5:45 के आसपास में शुरू होने दिया, मतलब पूजा लेट किया जानबूझ के, ये सारी चीज़ें हो रही थी उसमें आप लोग व्यस्त हो गए और फिर लेट हो गया पूजा का समय। जी मैम पूजा उन्होंने लेट करवाया, पूजा जानबूझ कर लेट, मतलब उन लोगों का मकसद था कि पूजा हो ही नहीं। हाँ, हम लोग किसी तरह 5:45 में जो थोड़े बहुत लोग थे वो लोग पूजा पे बैठे, अब बाकी लोग बाहर
भीड़ को समझा रहे थे कि पूजा होने दो, बहुत मेहनत से पहली बार जेएनयू में रामनवमी की पूजा हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग बार बार कुछ ना कुछ अड़चन विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। खाने को ही क्यों इन्होंने अपना ये टारगेट बनाया, ये वेज नॉन वेज को क्या कहना चाहेंगे? आपकी चोट दिख रही है मुझे, क्या नाम है, पहले नाम बताया। मुझे चोट लगी है, मेरा नाम शैतान सिंह है, मैं कावेरी हॉस्टल का ही रेजिडेंट हूँ। जब हम लोग ये कार्यक्रम करवा रहे थे लगभग आज से 4 दिन पहले हम लोगों ने पोस्टर रिलीज कर दिया, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कावेरी के स्टूडेंट्स ने मिलकर ये पूजा करवाई है। आज तक हमेशा से होता रहा है, जो करवाना चाहता है अपने स्टूडेंट्स एक इनिशिएटिव से अपना प्रोग्राम सब करवाते हैं। उसी प्रकार से रामनवमी के अवसर पर हम लोग पूजा करवा रहे थे और पूजा में सभी लोग सम्मिलित हो रहे थे, वहाँ तक कि मुस्लिम स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे, हम लोग भी इफ्तार के लिए चंदा दिए, वो लोग भी उसके लिए हमें चंदा दिए, कलेक्शन करके कर रहे थे। लेकिन ये जो वामपंथी छात्र संगठन है इनको होती है दिक्कत यहाँ पे, क्योंकि उनकी जो रोटियाँ सेकने की दुकान है वो बंद हो जाएगी फिर तो। ऐसे जो एक राजनीतिक रंगमंच देके जेएनयू को एज ए लॉन्च पैड यूज करते हैं वो लोग, वो फिर कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब आपको पता होगा कि जैसे ही हम लोगों ने पोस्टर रिलीज किया, हम ही ऑर्गेनाइज कराने वाले लोग थे ना, ये जब अभी सब लोगों ने अपने मन की बात यहाँ पे बताई, इन सब लोगों को पता है इन लोगों को कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कल जो हमारे साथ हुआ है, कल परसों की रात को, उस दिन हम लोगों को कितनी रात मुश्किल से निकाले सब लोग, सबके ऊपर अभी कभी भी खतरा हो सकता है, इनकी इंसान को सबको खतरा है। क्योंकि पिछली बार भी जेएनयू में आज से 2 साल पहले 1 साल पहले जब जब यहाँ पे अटैक हुआ है तब तब रूम चुन चुन करके रूम नोक करके सबको पीटा गया यहाँ पे। ऐसी वामपंथी जब हिंसा पे उतरते हैं तो वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि दिव्यांग छात्र है या फिर छात्रा कार्यकर्ता है, छात्रा है उनको बदसलूकी की जा रही है, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। फिजिकल चैलेंज्ड भी यहाँ पर स्पेशल जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं आपके, स्पेशली एबल भी हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब कि एकदम निंदनीय है और उनकी तो कड़ी शब्दों में निंदा करनी चाहिए। ये डीन को फोन करके रात को बोलते हैं, पहले तो इन लोगों ने प्रशासन से वो करने की कोशिश की इनको परमिशन ना मिले, जैसे पोस्टर्स देखा गए डीन को फोन किया इन्होंने, डीन को बोल रहे पूजा कैसे हो रही है, किसने परमिशन लिया है, इवन हम करा रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप पी से मिलकर लोग करा रहे हैं, इस कावेरी हॉस्टल के साथ स्टूडेंट्स करा रहे हैं, उनसे आके आप बात करिए ना अगर आपको पूजा से इतनी दिक्कत है तो। और इन लोगों ने आज उसके बाद में जब इनके पास कोई मौका नहीं बचा, बौखलाहट आ गई है, क्योंकि जब जेएनयू का एक बड़ी मात्रा में जो स्टूडेंट्स है वो उस पूजा में शामिल होता है, लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं, तो ये लोग उस टाइम कुछ नहीं कर पाते, इनकी बौखलाहट होती है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, जमीन जब खिसकने लगती है पैरों के नीचे तो ये लोग जल्दी से व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड सर्कुलेट करते हैं जिससे कि लोगों के बीच में एक तरह से इंस्टिगेट किया, प्रोवोक किया जाए, उनको बोलते हैं कि हवन करने से आग लग जाएगी, हमारे पास स्क्रीन शॉट्स है, ऐसे ऐसे मैसेज बताते हैं, बोलते हैं हवन करने से आग लग जाएगी, मतलब ऐसे बेतुके बयान देते हैं, बोल रहे इससे तो सोशल आर्मी नहीं खराब हो जाएगी, इससे हमें दिक्कत है। जब आपका पूरा हॉस्टल जो है, पूरा हॉस्टल आपका कावेरी यूनिटी में था, नवरात्रि भी अच्छे से कर रहे थे, आप लोगों ने इफ्तारी के लिए भी इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया सारी चीज़ें, बट फिर क्यों ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी, फिर क्यों उनके मन में खटास पैदा होने लगी, फिर क्यों वो लोग आपके यहाँ पे आके ऐसे दंगेबाजी करने लगे? बिल्कुल, एक चीज़ मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ के हॉस्टल्स के स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं, ना कि जेएनयू के स्टूडेंट्स को दिक्कत है, दिक्कत बस कुछ चंद लोगों को है। अच्छा। जो वामपंथी छात्र संगठन है उनको दिक्कत है कि बड़ी मात्रा में जब स्टूडेंट्स जा रहा है, ऐसे भारतीय विचारों की जब यहाँ पे लोकप्रियता बढ़ रही है, लोग आजकल जेएनयू में आज पहली बार नहीं हुआ है, हिंदू देवी देवताओं को, हिंदू त्योहारों को लेकर ये लोग पहले भी ऐसे ऐसे अटैक करते रहे हैं, हमेशा से किया है। अभी जैसे आदर्श ने बताया कि दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में ऐसे ऐसे शब्द अपशब्द कह गए, उनको इस प्रकार से पोर्ट्रेट किया गया, बताया गया वो वेश्या थी, ऐसी ऐसी बातें जो मैं यहाँ माइक से मंच से नहीं बोल सकता हूँ, ऐसी चीजें कर रहा है जेएनयू में आम बात रही है। उससे पहले आपने देखा होगा स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस में जब सरस्वती पूजा हम लोग करते हैं वहाँ पे 2018 की बात है, तब भी ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, विघ्न डालते हैं उसमें, जब दुर्गा पूजा यहाँ पर करवा जाता है कावेरी लोन में, यही कावेरी हॉस्टल है उसी के पास में, वहाँ पर भी ये लोग यही कार्य करते हैं। जैसे पहले राक्षस लोग यज्ञ में हड्डियाँ डालने के लिए आते थे उसी प्रकार ये लोग आते हैं, लेकिन जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अब ठान चुके हैं कि इसी रामनवमी हो या दुर्गा पूजा हो, जेएनयू कैंपस में पूजा इसी तरह से होगा, उसमें चाहे अभी जो कावेरी हॉस्टल के ही मेस सेक्रेटरी है या फिर जो भी कावेरी हॉस्टल के रेजिडेंट है, वामपंथी चाहे मीडिया में जाके कुछ भी बोले, लेकिन यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं खुद यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहा हूँ, जो ये अभी चुने गए हैं मेस सेक्रेटरी वगैरह, जो वहाँ पे जाके बोल रहे हैं मीडिया में, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि रामनवमी के लिए इनको पूजा नहीं मिली थी, जब पूजा का विरोध नहीं कर रहे तो वहाँ मीडिया में जाके क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं परमिशन नहीं मिली थी, बोल रहा है वो खुद राघिब जाके वहाँ एक्सेप्ट किया है मीडिया में, एबीपी न्यूज़ पे, आज तक पे, बड़े बड़े न्यूज चैनलों पे जाके ये बोल रहे हैं। यहाँ पे जेएनयू में आके बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है उनका रूट्स क्या है, इसी तरह से डीरूट करने का ये जो कार्यक्रम है वो लोग यहाँ पे करते हैं और ब्रेन वॉश करके स्टूडेंट्स को इस प्रकार से परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, फिर वो लोग आके बहानेबाजी करके बताते हैं हम लोग अपने घर में पूजा करते हैं, हमें तो नहीं है, हम यहाँ पे खाएंगे नॉन वेज वेज, वो इशू ही नहीं है वेज नॉन वेज का, तो वो तो बाद में मैनिपुलेट करने के लिए योग लेके आते हैं, और बाद में 8 बजे जब वार्डन कावेरी हॉस्टल के स्टूडेंट्स को बुलाता है तो ये वामपंथी छात्र संगठन वहाँ पे क्या करने आते हैं, क्योंकि इनको लड़ाई करनी होती है, ये लोग प्री प्लान करते हैं, ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग करके 7 बजे बोरा
भर के पत्थर लाते हैं, वहाँ पर डंडे लेके आते हैं, सबको एक बार पिटाई गया। और कावरी के अंदर कुछ ऐसे रूम्स है जिनके अंदर अभी भी कुछ कुछ चीज़ें मिलेगी, अगर पुलिस जाके अभी चेक करे तो वहाँ पर लाठी डंडे रोड्स वगैरह सब इकट्ठा की हमारी आंखों के सामने। हमें तो 4 बजे पता चल गया, हम लोग फिर भी किसी प्रकार से उन चीज़ों को छोड़ करके। आदर्श, आपसे जानना चाहूंगी चोट ये कैसे लगा? सिद्धांत शैतान जी, शैतान में आपसे जानना चाहूंगी कि ये चोट कैसे लगा आपको? चोट जैसे वार्डन लोगों ने हम लोग को बुलाया है कि पूजा जैसे ही संपन्न हो ही गई थी ऑलमोस्ट, हम लोग वहाँ से अपनी चीजें भी नहीं हटाए थे, सब चीजें वहीं थी, ओवन वगैरह सब सामग्री वगैरह, प्रसाद लेके लोग जैसे निकल रहे थे तो चुन चुन के लोगों को मारा जाने लगा। जो भी लड्डू हाथ में लेके जा रहा उसको मार रहे हैं, कोई झंडा हाथ में लेके जा रहा उसको मारा जा रहा, वहाँ पे झंडे थे उनको तोड़ दिया गया। और वार्डन जब बुलाते हैं कि अब वो लोग करते हैं मेस में खाना बना होता है, जो ये अभी मुद्दा बनाया जा रहा है वेज नॉन वेज, वेज नॉन वेज कुछ नहीं है, वही लोग है वामपंथी छात्र संगठन के लोग है जो जाके मेज को ताला लगा देते हैं। JNU के स्टूडेंट्स को खाना नहीं खा जाने देते हैं, यहाँ पे ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे खाना खाने के लिए, रात को उनको परेशान कर देते हैं। ऐसी दिक्कत ये लोग लगातार क्रिएट रकस क्रिएट करके पूरे JNU का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से JNU को बदनाम करने की साजिश इन लोगों ने जो रची है, लेकिन विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता जब जब इस कैंपस में है, हम ऐसी शक्तियों से पहले भी लड़ते आए हैं और इन लोगों का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। चाहे हमें कितने भी डरा दे, हमारे कार्यकर्ताओं पर कितने भी हमले कर ले, ये लोग हमारी हड्डियाँ तोड़ सकते हैं, हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते। हम लोग आगे भी इसी प्रकार से डट करके लड़ते रहेंगे और इनका मुकाबला करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए। आपसे जानना चाहूंगी, नाम बताएं पहले। मेरा नाम आयुष है, मैं BA सेकंड ईयर का छात्र हूँ, कावेरी मेरा हॉस्टल है जी। क्या कहना चाहेंगे अभी जो ये हाल ही में जो मुद्दा चल रहा है आपके कावेरी हॉस्टल का, तो क्या लगता है क्या एजेंडा है इन लोगों का, ये जो कर रहे हैं लेफ्ट वाले लोग? देखिए, एजेंडा इनका सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि ये सबको धर्म अफीम बताना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ लोग राम भक्त लोग आने लगे, अब यहाँ सनातन को मानने वाले लोग आ रहे हैं, जो इनको पेट में दर्द दे रही है, अब इनको ये बात पच नहीं रही है, इनको अब इस बात से ठेस पहुँच रहा है जो लोग अब यहाँ पे पूजा क्यों करेंगे, इनको सिर्फ लाल झंडे उठाने वाले लोग चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आपने भी ऑरेंज टी शर्ट ही पहनी, आप पूरे लग रहे हैं राम भक्त अच्छे वाले। तो रामनवमी के दिन क्या हुआ था सुबह से मुझे बताएं कि, और आपको भी चोट वगैरह आई है क्या? जी, मुझ पे ट्यूबलाइट से हमला किया गया था, मेरे पैर में चोट है, कट आया मेरे पैर में। दिखा सकते हैं कहाँ चोट आई है? देखिए, ये कट है मेरे पैर में जी, ये कट लगा है ट्यूबलाइट से, ट्यूबलाइट से हुआ, ट्यूबलाइट फेंका गया था। जो ट्यूबलाइट खराब हो जाते हैं उसको कचरे डालने की जगह पर रख देते हैं, वहाँ से ट्यूबलाइट उठा के इन्होंने मारा, कुछ उधर से अपने हॉस्टल से भी लाए थे ये लोग। कौन से हॉस्टल के से आए थे ये लोग जो लेफ्ट वाले थे? ये सब बाकी सारे हॉस्टल से आए थे, कुछ कावेरी के भी छात्र, मिक्स्ड मतलब सारे हॉस्टल, जितने संगठन के लोग थे जो हर हॉस्टल में रह रहे हैं सभी आए थे। ये 2 बजे से पहुंचे हुए थे, इन्होंने 2 बजे से पूजा नहीं करने के लिए हम पे प्रेशर बनाया, लेकिन पूजा 5 बजे स्टार्ट हुआ, लेकिन वो तब तक बैठे रहे जब तक हवन कम्प्लीट नहीं हुआ। वो इसलिए बैठ रहे हैं ताकि वो चिन्हित कर सके जो कौन सा स्टूडेंट पूजा में जा रहा है। पूजा से निकलते ही उसके हाथ में कलावा देख के, सर पे तिलक देख के उसको चिन्हित करके मारा गया, फोर्सफुली हमला किया, सब घेर घेर के मारा, एक आदमी को 10 लोग मार रहे हैं, PH छात्रों को जबरदस्ती मारा गया, एक छात्र विनती करते रह गया, मैं हॉस्टल में अभी लाइब्रेरी से आ रहा हूँ प्रसाद लेने आया था, उसको घेर के मारा, हाथ में लड्डू देख के उसको मारा गया है, एकदम क्या बोलते हैं दानवों की तरह मारे हैं ये लोग। अच्छा, मतलब जो भी प्रसाद लेके एग्जिट कर रहे हैं लोग, ये जो रामनवमी वाले दिन की बात है, 10 तारीख की, 10 अप्रैल की बात है, तो जैसे ही प्रसाद लेके लोग बाग निकल रहे हैं, ये स्टूडेंट्स जो इतने अच्छे से इन्होंने कंडक्ट किया पूरा रामनवमी का प्रोग्राम जो था, पूरी पूजा थी, जो भी निकल रहा उनको बहुत ही गलत तरीके से हमला किया गया है। आइए और छात्रों के भी शब्द ले लेते हैं जी। आपका नाम जानना चाहूंगी। नाम आशीष है। आशीष, कौन सा कोर्स चल रहा है आपका और क्या यहाँ पे, कौन से ईयर के स्टूडेंट है? मेरा BA फाइनल ईयर है, रसायन का छात्र हूँ मैं यहाँ पे, BA फाइनल ईयर जी। मैं भी कावेरी छात्रावास का हूँ जी। जैसा कि सभी ने बताया कि इनका एजेंडा बस यही रहा है कि यहाँ पे पूजा हवन कुछ नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये अपना सब चाहते हैं कि सिर्फ लाल झंडा सभी उठाएं, यहाँ पे कोई अपना मतलब कल्चर नहीं देखना चाहते हैं, ये बस अपनी मनमानी करना चाहते हैं। इनकी शुरू से राक्षसों वाली प्रवृत्ति रही है, जैसा कि सभी ने बताया कि सुबह से हवन रोकने के लिए बाहर खड़े थे, उसके बाद जैसे ही सब पूजा संपन्न हुआ वो बाहर जाके सबको मारने पीटने, पहले बहस हुआ फिर उन्होंने मारा, उनके बाद एक PH स्टूडेंट थे जिनके हाथ में लड्डू थे, बस इसलिए उन्हें मारा गया क्योंकि उनके हाथ में लड्डू थे, बाकी उन्हें चिन्हित कर रहे थे वहाँ पे कौन पूजा कर रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, जो वहाँ पे पूजा में सम्मिलित थे उन सभी को मारा गया है बस इसलिए क्योंकि वो इसमें बिल्कुल उन्होंने अपनी बिल्कुल प्रेजेंस रखी। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैस में जो था 9 दिन
नॉनवेज चला था पूरा? बिल्कुल बिल्कुल, हमने किसी ने रोक नहीं लगाया था हम लोग, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। जैसा कि अभी बताया गया कि बहुत सारे ऐसे और भी छात्रावास है जहाँ पे हमारे एबीवीपी के रहे हैं, कार्यकर्ता हैं अभी वहाँ पे मेस कमेटी में। यहाँ पे तो हमारे मेस कमेटी में एक भी कार्यकर्ता है भी नहीं, जैसे पेरियार में गौरव जी हैं, कोयना में नैन्सी जी हैं, माही मांडवी में रवि जी हैं, इस तरह बहुत सारे हॉस्टल में और भी हैं। तो कहीं पे ये मेस को संभालते हैं, ये जो जो आपने नाम लिए, ठीक है, मेस कमेटी से हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, 9 दिन अगर नहीं हुआ नॉन वेज वेज वाला ये क्राइटेरिया जो अभी चल रहा है, तो ये रामनवमी वाले दिन ही क्यों? क्या आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा मैसेज गया था कि आज के दिन नहीं होगा नॉनवेज, या ऐसा कुछ भी हल्का सा भी कोई मैसेज उन लोगों को पता चला हो कि हमारे लिए ये फूड रोक थाम की जा रही है, नॉनवेज हमको चाहिए ही चाहिए, क्या पता उनके दिमाग में फिर एग्रेशन आया उस चीज़ के चलते? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारे तरफ से कोई मैसेज नहीं गया था ऐसा। हम लोग तो बस पूजा करने का 2-3 दिन से जो प्लान कर रहे थे, तो इनका रोकने का प्लान था, ये नहीं चाहते थे कि इस हॉस्टल में या यहाँ JNU परिसर में कोई भी पूजा संपन्न हो, क्योंकि इनको इन सबसे काफ़ी दिक्कत है। और जो इनका षड्यंत्र है बस ये नॉनवेज सब बोल के ये बहका रहे हैं लोगों को। कोई आप लोगों ने ऐसी चीज सामने नहीं रखी थी कि नवरात्र है, रामनवमी है, तो आप लोग नॉनवेज नहीं खा सकते, ऐसी कोई भी बात नहीं थी? नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं, बल्कि हमारे परिसर से भी कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते ही हैं, जैसे मैं भी नॉनवेज खाता हूं, तो ये सब बस बेतुकी बातें हैं जो सबको गुमराह करने के लिए की गई है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। जब इन्होंने हम पे हमला कर दिया और हमले को जस्टिफाई करने का इनके पास कोई तथ्य नहीं बचा, तब इन्होंने नॉनवेज की बात निकाली, क्योंकि अब नॉनवेज से खुद को शील्ड बना के प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा है ही नहीं। इवन कि अगर हम लोग नॉनवेज को एक बार को मान ले मना भी करते हैं, तो आप हमारी बात क्यों मानेंगे? आप यहाँ वर्चस्व में हैं, आप अगर हमें पीट सकते हैं तो आप हमें पीट के नॉनवेज ही बनवा सकते हैं, लेकिन आपने ऐसा नहीं करने दिया। ऐसी एकदम बेतुकी बात है, लोगों को बहकाने की एकदम साजिश की जा रही है, नॉनवेज का कोई इशू था ही नहीं, ये बस जस्टिफिकेशन के लिए इन्होंने एक नया सील निकाला है। चले, तो ये थे हमारे साथ कुछ JNU के छात्र, और भी छात्रों से हम मिलेंगे और जानेंगे और इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।